अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने फार्म हाउस पे पहुंच चुका हूँ। फार्म हाउस ही कहेंगे इसे, और क्या कहेंगे। ये जी हमारा शहजादा मुर्गा, देखे तो सही, खड़ देखे माशाल्लाह। मुर्गे के कुंडल चेक करे, सीजन की कुली देखा ही खड़ा है, अब तो इसके कुंडल ही कुंडल है। और ये सामने वो देखें इसकी मुर्गी, हीरी मुर्गी, ये मुर्गी नहीं मुर्गा लगता है। इसके ताज देखें, इसके पैरों पर कील है वो देखें, हाँ, और इसकी पूंछ भी ऐसे जैसे मुर्गा मुर्गा खड़ा हो पक्का। और ये हमारा चकोटे, मैं ये यहीं पे फिरता रहता है बाहर, अभी खुले में फिर रहा है, इसे कोई टेंशन नहीं है किसी शिकारी की। देखे अब इन्हें दाना पानी रखते हैं। ये मुर्गा, ये अब अपनी मुर्गी को देख रहे हैं मुझसे बचाने के लिए। कील देखें इसके, इतने से कील है, लेकिन यह है पक्का मुर्गा। चलो पानी रखते हैं, वैसे ऊपर जाने का नहीं, पानी रख लेते हैं पहले, यहाँ पे पानी रखते हैं जी। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, पानी कैसे रखूं, रख दिया आखिरकार, यहीं पर रखेंगे, ऊपर चलते हैं। ऊपर एक और मुर्गा है जी, ये वही है, किसने दाना गिर दिया, दाना गिरा दिया सारा जी। देखे रात के टाइम बारिश भी आई थी, उसने कुछ नहीं किया। ये मुर्गे खड़े हैं जी, बस करते हैं पटक के। धूप नहीं है लेकिन फिर भी मुर्गियाँ छांव में बैठी हैं, मिट्टी गीली है। ये कुड़क मुर्गियाँ, इसका सीन मुझे समझ नहीं आता, इसे बैठना अंडों पे चाहिए, ये बैठती ज़मीन पे है। इनका बर्तन भी पानी वाला वो है, लेकिन दाने वाला भी भरा रखा है। चलो इसी में ही दाना डालेंगे, हमने क्या करना है, जितना बचा हुआ सारा दे देते हैं इन्हें। हाँ ठीक है, ये जी एक और मुर्गा हमारा, ये भी आपको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। अंडों की हालत देखे, अंडों की हालत कैसे कर दी इन्होंने, 21 अंडे थे, अब मुझे 15 भी नहीं लगते ये, बस क्या करें। ये मुर्गा देखे माशाल्लाह, इसी मुर्गी के साथ मुर्गी ने अंडे दिए थे, इसी मुर्गी ने, रेड मुर्गी ने तो दिए, और भी मुर्गियों ने थे लेकिन रेड के ज़्यादा इसमें। फिर ये एक और मुर्गी है, ये देखिए अंडा खाया पड़ा, बंदा क्या कहे ना यार, इतना अंडे जाते पता नहीं कहाँ हैं। अब इनमें से कोई ना कोई टूटा हुआ मिल ही जाएगा, ये सेट करके रख देते हैं जी। ये अंडा देखें टूटा हुआ है, अब बंदा बोले क्या इन्हें। चलो ये सीधा करते हैं, इस अंडे टूटे हुए को तोड़ ही देंगे, देखेंगे बच्चा था अंदर के नहीं था। बाकी आप देख सकते हैं अंडा किस तरीके से टूटा हुआ है, जैसे अंडों के ऊपर अंडे आ जाते हैं। देखे दीवार में मार, नहीं इसमें बच्चा नहीं था, बच्चा होता तो ब्लड होता, बच्चा नहीं था इसमें, शुक्र है सही तोड़ा हमने। अब ये तीनों खाएंगी, रेड वैसे रेड वाली जावी को खाने तो नहीं देती, देखो जैसे उनका दिल करे। नीचे आ जाते हैं जी, देखे खड़ा है ये अंदर, कमरा तो इसका फेवरेट। मुर्गियों वाली जगह से फारिग हुए हैं जी, प्यास लगी हुई थी, खलील भाई के पास जा रहे हैं, खलील भाई के पास गए हैं, खलील भाई ने तो इज्जत नहीं की यार, स्ट्रिंग मांगी तो कहता वहाँ पे पड़ गया है। दुकानदार ऐसे बना बैठा था, ये देखिए क्या गंदी गंदी चीज़ें चला रहे टिकटॉक, वैसे आपस की बात है, मैंने भी टिकटॉक पे ही अपलोड करना है। कोई बात नहीं, उसे तो गंदा कह दिया ना, बट ठीक है। खलील भाई कहता है कि हाँ भाई खुद उठाइए, मोबाइल पे हमला कर दिया। खलील ने मोबाइल पे हमला कर दिया था, फिर खलील के पास नहीं जा रहे थे, आपके भाई ने स्टिंग पी ली थी, स्टिंग उससे मांगी, स्टिंग नहीं दे रहा था, फिर कैलकुलेटर के उसके बारे में पूछने लग गया, खलील को तंग किया सारी चीज़ों के बारे में, खलील एंड में रो गया था। खलील फिर कहता है कि ना ये सिगरेटें के बारे में पूछा, खलील कहता है हाँ ये सिगरेट है, गाँव पीता है। मैंने कहा तुम तो नहीं पीते, कहता है नहीं मैं नहीं पीता, बस यही बात होती रह गया खलील के साथ, खलील को तंग किया है बहुत। खलील हंस हंस के अब बात करने लगा, ऑफ कैमरा से समझाए यार कोई बात नहीं, थोड़ी सी इज्जत रख लो, लेकिन बात फिर भी सराकी में कर रहा था। फिर मैंने इसलिए कहा वॉइस ओवर ज़्यादा अच्छी बेहतरीन चीज़ है, वॉइस ओवर कर लेते हैं। कुदरती तौर पर सिगरेट का पूछ रहा था, सिगरेट का घाट भी आ गया, कहता है तुम ऐसे चीज़ों का पूछो, चीज़ों में गाहक आते रहेंगे। बड़ा फन। तो आपका भाई खलील पैसे फारिग होकर दुकान पे आके बैठ गया था, दुकान पे आने के बाद कुछ ऐसा सीन है, फिर जाने का प्रोग्राम तो नहीं है, घर पे काम हो रहा है, इस वजह से आपका भाई यहाँ से हिलने वाला नहीं है। शायद मैं यहीं पे वो लोग ख़त्म कर दूँ, कोई पता नहीं आगे होगा, कोई आगे रूटीन बनती है आज की तो वो भी आपको दिखा देंगे, टेंशन नहीं है। तो जैसे आप सबको बताया था कि घर में काम हो रहे हैं, काम हो रहा है अली भाई के कमरे में, तो देख सकते हैं आप सारी सीलिंग टूट रही है, आवाज़ पीछे आ रही होगी, सारी सीलिंग टूट रही है। ये सामने भाईजान खड़े हैं, हम आपके भाई सपाटर खड़े हुए हैं तमीज़ से,
देख रहे हैं कि हाँ अभी कैसे टूटेगी भाई। और कोई काम ही नहीं आपका भाई, फजूल है, आपको पता तो है सारा दिन यही काम है, इधर जाना उधर जाना। ये नीचे दो बंदे बैठे हैं, दिखाता हूँ, ये सफाई कर रहे हैं, ताज़ी सफाई हो जाएगी नहीं तो अम्मी से मार खानी पड़ेगी। चलो जब पूरी हो जाएगी तब आपको दिखा देंगे, टेंशन नहीं है। आपका भाई जा रहा है दूसरे सेंटर पर, सेंटर नहीं है, घर पे ही है। ये जिम हॉल है, पौधों का छोटा मोटा सेटअप कर रखा है। ये भाई का सेटअप है। इधर एक और चीज़ भी है, ये तोते हैं, ये देसी तोते हैं, ये लव बर्ड है, ये इनो है, ये मेरा हैंड टेम पिजन। अभी बच्चे हैं, हैंड टेम कर रहा हूँ। अवे आया, ये कलोनी बनाने का भाई आपका सोच रहा है, कलोनी के बक्से लगे हुए हैं। ये जी हैंड टेम बच्चा है, अभी हो रहा है, फीड मांग रहा है आपका भाई से। टेंशन नहीं हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती इस पर। ये जी बाहर का व्यू दिखा रहे हैं आपको, बारिश का मौसम है। वो ये कबूतर बैठा ना, मैं दो मिनट इसे पकड़ता हूँ। आ यार आज तेरा काम हो गया, आज तूने कबूतर पकड़वाने में मदद करनी है मेरी। बैठा तो है सामने, दिख रहा है कि नीचे आपको खोखा दिख रहा होगा, उसी के बच्चे के कबूतर हैं ये। ये मेरा हैंड टेम पिजन आज इसे उड़ाएगा, तो पकड़ के इसे फिर आपसे मिलते हैं, टेंशन ना ले। तो व्लॉग को यहीं पे इंतखाब करते हैं जी, एंड करना भूल गया था, आज एंड करते हैं। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।